ना करना, मतलब कुछ तो बात होगी। हाँ बिल्कुल, व्हेन आई वाज राइटिंग द स्क्रिप्ट स्टिल इट्स इन द प्रोसेस, तो हमेशा ये था कि ये अगर सांगली जो कैरेक्टर है अगर ये इसकी कास्ट प्रॉपर नहीं हुई तो इट विल बी ऑल मिलिंगनेस। ओके, देन ईशा जी का नाम आया सामने एंड वी मेट एंड दैट 4 hours मीटिंग आई स्टिल कैन नॉट फॉरगेट। Okay. It was so one and one, and she was so much involved in the very first meeting and very first narration. And yeah, and we cracked it. Okay. And Isha, I would like to ask you कि ऐसी क्या बात है स्क्रिप्ट में, जैसे हम देख रहे हैं कि जब हिसाब ना हो चुकता तो करना पड़ता है 80-90 पूरे 100, एंड आपने क्या ऐसा अंकुर जी के नरेशन में देखा, या what did you feel while narrating when he was narrating the film? देखिए अंकुर भाटिया डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन, इन्होंने जो भी बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक डायरेक्टर नरेशन देता है तो उनके नरेशन से पता चल जाता है, पता चल ही जाता है उनकी विजन का। हाँ। उनके कहाँ तक क्या कर सकते हैं उसका एक अंदाज़ा हो ही जाता है, ये एक पहली बात है। दूसरी बात, मुझे एक ऐसी स्क्रिप्ट मतलब पिछले 1.5 साल से मैंने स्क्रिप्ट्स में जो भी स्क्रिप्ट्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए या सोचे कि मैं करूँ, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो ही जाती थी जिसकी वजह से आई देन फेल्ट दैट नो आई डोंट थिंक आई वांट टू डू दिस फिल्म। इस फिल्म में कोई ऐसी बात नहीं थी, हमारे प्रोड्यूसर भी हैं सोलंकी साहब, प्लीज़ बहुत बड़ा हाथ है प्रोड्यूसर का, अगर प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो फिल्में बनेंगी नहीं, नहीं। उनके भी जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके भी जो विचार है फिल्म बनाने के, वो भी हाँ, we were on the same tangent and it takes great guts to make a film and a lot of passion as well. तो ये सब बातें थी हमारे प्रोड्यूसर में, और डायरेक्टर ने जब हमें नरेशन दिया तब ये बहुत टुडे आज की स्क्रिप्ट है, यूथ सेंट्रिक स्क्रिप्ट है, इट्स हार्डकोर ड्रामा, और जैसे हर कोई बोलता है अरे यार मसाला था फिल्म में, ये था, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है, इट्स रियली और बहुत अलग। आई एम वेरी ग्लैड कि हमारे इंडस्ट्री, हमारा सिनेमा एक ऐसे फेज पे आ चुका है जहाँ पीपल आर एक्सेप्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, एक ही जैसे स्क्रिप्ट नहीं बन रहे, फिल्में नहीं बन रहे, अलग अलग फिल्म बन रहे, एंड पीपल आर ओपन to new subjects and stories, scripts. तो ये भी एक ऐसे है, मतलब ये आपने कहीं देखा नहीं होगा या आपने you know it's a very different, I know different सब कोई बोलता है, but what to do, it's the same different word, it is a different script. तो मुझे कहीं ना कहीं वो it rang a bell because there was a lot to do, isme revenge tha, isme romance hai, isme ek age span hai between the age of 25 to 80 90, matlab puri journey dikhaya hai, so there's a lot to perform, to ye sab tha isme. Mera sawal film ke director se hai ki kahan pe isha 4 saal baad comeback kar rahi hai, to aapki bhi debut film hai, to aisa kya tha ki isha aur divyendu ko chuna is film ke liye? Jaisa ki maine kaha ki while I was writing the script, तो एक राइट कास्ट होना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. सो विद ईशा इनफैक्ट जितने भी फिल्में देखी हैं इनकी मैंने, तो हमेशा से मुझे लगा कि परफॉर्मर, एज अ परफॉर्मर शी इज डेफिनेटली सुपर्ब. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर फ्यू शेड्स विच शी हैज़ नॉट प्लेड एवर, जो कि ये था कि हाँ चलो इस फिल्म के जरिए हम, इवन द कास्ट शुड बी लाइक दैट, कि आपने इस कास्ट को इन शेड्स में कभी नहीं देखा है, लाइक उस चाहे आप रिवेंज कहें उस तरीके से इनको परफॉर्म करते कभी नहीं देखा. सो डेफिनेटली व्हेन वी मेट एंड उसके बाद जिस तरीके से स्क्रिप्ट बन के आई आगे, तो इनसे बेटर कास्ट आई डोंट थिंक सो इन द होल वर्ल्ड आई कैन गेट. एंड विद दिवेंदु, सिंस द टाइम ऑफ प्यार का पंचनामा आई सॉ द फिल्म एंड आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी लुकिंग एट हिम, कि यू नो डेफिनेटली टैलेंट की हमारे सिनेमा में तो बिल्कुल कमी नहीं है, इट जस्ट यू हैव टू गेट द राइट पर्सन एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम. सो व्हाइल आई वाज राइटिंग द कैरेक्टर, हिज कैरेक्टर, हमेशा ये था कि ऐसा कोई एक्टर इसको निभाए
जो कि एक्टिंग ना करें, जो कि उस कैरेक्टर को निभाए, उस कैरेक्टर को विद फुल ऑनेस्टी से निभाए. सो दैट्स इट. अंकुर जी, मेरा आपसे सवाल है कि मूवी का पोस्टर आपने अभी लॉन्च किया है, तो कब तक ये मूवी एक्सपेक्टेड है फ्लोस के लिए एंड व्हाट्स द स्ट्रेटजी फॉर इट? मूवी का पोस्टर का अभी अनवील करना, आप लोगों को दिखाने का, देयर इज नो स्ट्रेटजी एज सच. इट्स जस्ट दैट कि वी वांटेड यू ऑल टू विटनेस द स्टार्ट ऑफ आवर जर्नी. ओके, एंड दैट्स इट. आई मीन देयर इज नो स्ट्रेटजी एज सच. इट्स जस्ट दैट कि जस्ट हैव अ लुक, लुक एट द स्टार कास्ट. हां, दिस इज एन अनाउंसमेंट करने जैसी शौक रही सकता हूँ, बाकी आप प्लीज वेट करिए प्रोमो ट्रेलर एंड फिल्म का. ईशा, जैसे कि बॉलीवुड में सभी जो एक्ट्रेस है अभी फुल फ्लेज रोल करने में बिलीव करती है, और अभी आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि आप भी किसी आपको किसी हीरो की ज़रूरत नहीं है फिल्म फिल्म के लिए, तो आगे जो हम आपका किरदार अभी तक फिल्म की शूटिंग ही स्टार्ट नहीं हुई है तो मैंने अभी तक बोला ही नहीं तो है. एक मूड में आने के लिए एक बार बोल दीजिए. मुझे मूड में नवंबर में आना. एक बार बोल के तो दिखा दीजिए ईशा जी. सर लग रहा है मूड में तो आप आए हैं आज. मैं आपको मूड में लाने की जरूरत नहीं, नहीं है. मैं हम मूड में आएंगे अक्टूबर नवंबर. मैं कैरेक्टर के मूड की बात कर रहा हूँ, आप किसी दूसरी तरफ ले जा रहे हैं बात को. मैं कहीं नहीं ले जा रहा यार, सब लोग यहाँ बैठे, मैं कहीं और ले गया. मैं यहीं बैठा हूँ, बात भी यही है. ईशा जी प्लीज, मैं चाहूंगा कि एक बार आप बोलें. तेरी नीलामी में पहली बोली मेरी होगी. ये इन्हीं के लिए था ना पटेल. और इनकी तरफ से मैं भी जान चुका था हिसाब बराबर. थैंक यू थैंक यू सो मच. थैंक यू.